हुण मैं बेनती करांगा इस बेनती तो पहला कि बुलारे काफ़ी ने मेरे को सारे के ना है नहीं जिन्हों के ना है मेरे को मैं वारी वारी अनाउंस करी जावांगा स्टेज पर आके अपनी गल करी जान पर जे कोई अपनी गल कहनी चाहता तो कमलजीत सिंह अपना ना लिखा दे क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई इस इतों माड़ी फीलिंग्स लैके जाए कि भी मेरी गल नहीं सुनी गई या मैं मौका नहीं मिलया सो हुण मैं बेनती करांगा डेव हेयर नूं जिहड़े कि इतों के लिबरल MLA ने सत्ताधारी पार्टी के कि वह आके अपने दो शब्द कहन और उस तो बाद जसबीर संधू जिहड़े NDP दे MP ने तैयार रहन। थैंक यू गुरप्रीत। पहला मैं गुरप्रीत बाकी साढ़े भैन भरा जिहड़े इत्थे आए आ उन्हां सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने जलियांवाले बाग दा मास्कर होया सी उन्हां नूं रिमैंबरस लई आ फंक्शन कर रहे आ। ते नाल मैं ये भी कहना चाहुंदा जदों मैं अपनी वाइफ दे नाल इंडिया नूं गया सी 2007 दे विच साडी 25th वैडिंग एनिवर्सरी सी असीं जलियांवाले बाग विच विजिट कीता ते उत्थे आलमोस्ट 1.5 घंटा स्पेंड कीता तो इट्स रियली सैड टू सी कि उस टाइम के उत्ते किदां बच्चे भैन भरा सियाने है ना फील करते हो गए कि जो उन्होंने शूटिंग चल रही थी कि जो कि खूह के बच्चे डिग रहे थे किन्ने बंद ने अपनी लाइफ लॉस की है तो इट्स गुड टू सी कि असी वो फॉरगेट ना करिए कि किस तरीके थाने अपन इंडिया की फ्रीडम ज इतने फ्रीडम जड़ियाँ मिली आ कि जेडे अपने पायनियर से जेडे अपने सियाने से उन्होंने बहुत हार्ड काम किया उन्होंने बहुत हार्ड काम करने के उन्होंने नाल स्टैंड करने के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए अपन सारिया राइट्स अपन सारे हक मिले आ कि इस वेले आप दुनिया के पाप भी सारे बेस्ट कंट्रीज रह रहे हैं कि जो मैं किसी भी अपने भैन भरावान से जाना तो अपने कंस्टिट्यूएंस है वो अमृतसर तो आए थे कि लास्ट वीक मैं उन्होंने मिलता सगा उन्होंने अबाउट 4-5 साल इतना आया होया वो कहें काका आह तो स्वर्ग वांगू मां जिथे कैनेडा बच्चे रहना कि मैं उन्हें दसदा सी साडे राइट्स किदां आ साडे पॉलिटिशियन किदां आ कि असीं सारे अपनी कार लैके आपे जांदे आ कि किसी को कोई स्पैशल प्रिविलेज ने जे असीं स्पीड ते जांदे सानूं सारे टिकट मिलदा पर एटलीस्ट भावें कंट्री परफेक्ट नहीं हैगा कि ये अपने को स्टिल 100% फेयरनैस नहीं हैगी पर बाकी सारे कंट्री नाल बहुत सारी फेयरनैस हैगी आ। मैं तो सारे पॉलिटिशियन नूं यही कहूँगा जिहड़े मर्जी पार्टी दे होवे जिनो जिहड़े मर्जी कल्चर्स होवे जिहड़े मर्जी रिलीजियस होवे जदों तुसीं हक्कां दे काम करदे आ है ना तुसीं सारिआं दे हक्कां दा काम कर दे वास्ते गल करो जदों अमृतसर दे उत्ते अटैक होया सी है ना तो जिहड़े इनोसेंट बंदे मारे सी उहनां दे हक्कां दी गल करो जदों दिल्ली दे अटैक होया सी ते जिहड़े अपने इनोसेंट सिख मारे उहनां दे हक्कां दी गल करो जदों एयर इंडिया दे 331 बंदे मारे सी है ना उहनां दे हक्कां दे विच गल करो जदों कोई टैररिस्ट किसी इनोसेंट बंदे नूं मारदा आ ते जिहड़े इनोसेंट बंदे मारदे आ तुसीं उह सारे नूं कंडेम करो ये ना करो कि तुम सिलेक्टिव डिसीजन करो कि आ जे टैररिस्ट आ हैंग करने चाहिए आ टैररिस्ट नहीं हैंग करने चाहिए आ जे मर्डर आ हैंग करने चाहिए आ नहीं करने चाहिए जिन्होंने भी दिल्ली के बच्चे अपने सिख मारे से वो सारे हैंग होने चाहिए आ दूजे पासे जे होर किसी ने कोई इनोसेंट बंदा मारिया आ उन्होंने भी सारे हैंग करना चाहता आ भावें कैनेडा डिसाइड करता कि असी हैंगिंग में नहीं बिलीव करते आई रिस्पैक्ट दैट बट माई व्यू इज सम पीपल कि वो इन्ना माड़ा क्राइम करते हैं वी शुड बी एबल टू डू दैट बिकॉज दूजे पास चार्ट ऑफ राइट इज रियली गुड बट एट द सेम टाइम जो चार्ट ऑफ राइट्स है वो काफ़ी क्रिमिनल्स ने कैनेडा में अपने लिए यूज़ किया मैं काफ़ी बार पार्लियामेंट वाल भी बोलिया जो चार्ट ऑफ राइट्स है वो क्रिमिनल यूज करके जेलों तो उन्होंने नहीं मिलती उन्होंने कन्वेक्शन नहीं होंगे बिकॉज वो कई बार फेयरनैस नहीं क्योंकि चार्ट ऑफ राइट जो है गुड सिस्टम है वो अब्यूज हो रहा क्योंकि जिन्ना कि वो चाहिए चार्ट ऑफ राइट विक्टम्स के लिए जिहड़ी सोसाइटी लई ते क्रिमिनल लई पर मोस्टली मोस्ट टाइम क्रिमिनल अपने जुडिशियल सिस्टम में चार्ट ऑफ राइट अब्यूज हो रहा काफ़ी क्रिमिनल एलीमेंट्स के लिए किन्ने केस तुसीं देखे होने वो फ्री हो जाते हैं क्योंकि चार्ट ऑफ राइट्स विच हो जाता एक बंदे दे घर गन्ना लभियां सी उहदी मदर ने उन्हें परमिशन दित्ती है पुलिस नूं कि हाँ तुसीं सर सर्च करो जदों जज ने ज्यादा किया कि तुसीं को साढ़े को वारंट है नहीं सी एक गन्ना अलाउड नहीं एविडेंस दे विच हैगियां इस करके उन्होंने केस डिसमिस कर दिता आई थिंक दैट इज़ रोंग उदां दी एग्जाम्पलां 100 एग्जाम्पल इसे हैगियां तो इस करके मैं सारे भैन भरावान सारे पॉलिटिशियन यही कहना आप डिसएग्री हो सकते पर वी शुड बी स्टैंडिंग अप राइट्स फॉर एवरीबॉडी नॉट जस्ट सिलेक्टिव फ्यू जे मैं किसी ने ऑफेंड किया मैं माफ़ी मांगदा बट आई थिंक एट दिस स्टेज वी आर एंटाइटल टू स्पीक आवर माइंड एंड शेयर आवर व्यूज एंड दैट्स द गुड थिंग कैनेडा इज वी ऑल हैव डिफरेंट व्यूज कि आप सारे एक दूसरे डेमोक्रेटिक पीसफुली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आसन दोस्तों डेव हेयर BC की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के MLA
बेशक असी इन्हां नाल कई गल्लां ते जरूरी नहीं सहमत होइए क्योंकि लिबरल दीआं नीतियां कुछ ने होसदा साडे कई लोगों की नीतियां बिल्कुल वखरियां ने, पर एक गल उत्ते असी सहमत हो सकते हैं कि जिथे भी कोई जुल्म हुंदा, दहशतवाद हुंदा, फिरका प्रस्ती हुंदी, उसका डट के विरोध करिए। और डेव हेयर साहब इस गलों कंसिस्टेंटली उन्हां ताकतों का विरोध करते आए हैं जिन्हां तों वोटां लैण दी खातर कई साडे सियासतदान अपना जमीर जिहड़ा है उस दे नाल कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्हां तों वोटां दी भीख मंगदे ने। ये अफसोस की गल है बहुत। और डेव हेयर की जी पर यह जी गल है कि फांसी वाली, मेरे अपने विचारों में फांसी नहीं होनी चाहिए अज्ज दे युग दे विच किसी भी हालत में, पर उसका यह मतलब नहीं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं फांसी लाओ और उस दे लई जिहड़ी पोलीटिकल पार्टियां गोडे टेक टेक के कह रही इनू बचाओ, तो जिहड़े 12 बंदे पंजाब बैठे जिहड़े कह रहे सानू फांसी तो बचाओ उन्हां बारे सरकार सुती पई है। इस तो वड्डी सिलैक्टिव सिलैक्शन होर की हो सकती, सिर्फ फिरकू सियासत अगे गोडे टेक के सियासी रोटियां सेकण दा एक टकवांज, होर कुछ नहीं। या तो असूली तौर पर गल करो कि असं फांसियों के खिलाफ हाँ, फिर तो असं मनीए। जड़े 12 व्यक्ति कह रहे हैं कि सानू बचाओ उन्होंने सरकार कुत्ता बिला समझती है, तो जड़ा बंदा कह रहा मैं फांसी लाओ सरकार बिल्कुल खसी होकर कह रही कि उसनू उसकी फांसी रोकी जाए। ये बिल्कुल शर्मनाक रुझान है और इतने भी जड़ा प्रभाव जमाया जा रहा है साढ़े लीडर से, लीडर इन्होंने गलों तो सुचेत रहन, बिल्कुल एन बरीकी ना वेखन सारी गल। आज बसाती का दिन है। Position, load, fire!